नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के पीडीएफ पासवर्ड को हम कैसे ओपन करें। ध्यान रखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप ना करें। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ, बहुत ही शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, इसलिए स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे पहले दोस्तों, पीडीएफ के पासवर्ड को ओपन करने के लिए हमें समझना होगा इसका पासवर्ड का फॉर्मेट क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के हर ईमेल पे जब भी आपको स्टेटमेंट प्राप्त होता है, उसमें जो पीडीएफ का पासवर्ड है वो दो होते हैं। मतलब एक ही पीडीएफ के दो दो पासवर्ड होते हैं, और दोनों को ही कैसे ओपन करना है, दोनों के अलग अलग फॉर्मेट हैं। मतलब एक ही पीडीएफ को ओपन करने के दो तरीके हैं, दोनों ही हम जानने वाले हैं। सबसे पहला जो फॉर्मेट है, वो जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेंशन कर रखा है, वो है सबसे पहले आपको अपना जो भी नाम है, आपका जो भी नेम है, उसके जो आगे वाले चार डिजिट है वो लिखने हैं, वो भी स्मॉल लेटर्स में। जैसे मान लीजिए आपका नाम रवि है, तो आप रवि कैपिटल में नहीं लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में आपको रवि लिखना है। नंबर टू, आपको अपनी DUB अटैच करनी है, परंतु DUB में आपका सन अटैच नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपकी जन्म तारीख है 1 जनवरी 2002, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो सन 2002 है वो नहीं लिखना है, हमें केवल और केवल जनवरी जो हमारा महीना है वो लिखना है, और हमारी जो तारीख है वो लिखनी है। उसमें भी हमारी तारीख पहले होगी, मंथ बाद में होगा, मतलब ये DD और MM के फॉर्मेट में होगा। तो चलिए हम इसको एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपका नाम रवि है तो आप लिखेंगे RAVI, आगे वाले केवल चार लेटर है। अगर आपका नाम बड़ा है तो भी फिर भी आपको सिर्फ चार ही लेटर आगे के लिखने हैं, आपको पूरा नाम नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ चार लेटर आगे के। उसके बाद में आपका DD यानी आपकी डेट जो भी होगी जन्म तारीख की, और फिर आपका मंथ लिखना है। अगर आपकी जन्म तारीख केवल एक डिजिट की है तो आगे जीरो लगाना है, अगर दो डिजिट की है तो जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं। और उसी प्रकार से अगर आपका महीना दो डिजिट का है तो आपको जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर एक डिजिट का अगर आपका मंथ है तो फिर आपको जीरो लगाना होगा। तो चलिए दोस्तों, एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हमारे पास जो एक कस्टमर आया है, उनका जो नाम है वो है कैलाश, और उनकी जो जन्म तारीख है वो है 1 जनवरी, मतलब 010101 उनकी तारीख हुई और 01 उनका मंथ हो गया। अब उनका जो नाम है कैलाश, तो हम क्या करेंगे, KAIL लिखेंगे, जो आगे वाला नाम है, और उसके भी जो चार लेटर है वो हम स्मॉल में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं, चार लेटर लिखेंगे, स्मॉल में लिखा, फिर उनकी जन्म तारीख लिख ली, सन हमने नहीं लगाया है, उसके बाद में हम ओके कर देते हैं, तो हमारा PDF ओपन हो जाता है। और सब कुछ प्रयास करने के बावजूद भी अगर आपका पासवर्ड ओपन नहीं हो रहा है, तो नंबर टू प्रोसेस यहाँ पे ये है कि आपकी पासबुक जो भी होती है बैंक ऑफ बड़ौदा की, उसके ऊपर आपका कस्टमर ID लिखा होता है, जो भी आपका कस्टमर ID है वो आप लिख लीजिए। कस्टमर ID भी आपके पासवर्ड के रूप में काम करता है, और आपका ये जो पहले वाला फॉर्मेट मैंने बताया, ये भी पासवर्ड के रूप में काम करता है। दोनों ही तरीके से आपकी PDF ओपन हो जाती है, मतलब एक ही PDF में कंपनी ने दो दो पासवर्ड लगा रखे हैं, दोनों में से एक आपको यूज करना है। जनरली नाम वाले फॉर्मेट से हो जाता है, अगर उससे नहीं होता है तो आप अपनी कस्टमर ID डाल दीजिए, 9 डिजिट की कस्टमर ID, वो आपके डालने से हो जाएगा। फिर भी अगर आपको समस्या है और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर आपके साथ नहीं हो रहा है, तो मुझे कमेंट में शेयर कीजिए कि आखिरकार आपको क्या दिक्कत आ रही है, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।